हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग जब तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किचन में रहिए तो कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे दही निकाल रही हूँ और बनाने वाली हूँ रायता। और पहले तो दही को अच्छे से फेंट लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया है। तो बस यहाँ पे दही तैयार हो चुकी है और चलिए हम इसमें डाल देते हैं। क्या डालेंगे वो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू लिया है बॉईल किया हुआ, तो बस छोटा छोटा पीस हम आलू को इसमें कट कर देंगे। और इसी तरह से मैं दूसरा आलू भी कट कर दूँगी छोटा छोटा पीस। तो चलिए इसमें सब चीज़ डाल देते हैं और क्या क्या मतलब डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम भुना हुआ पिसा जीरा डाल रहे हैं। उसके बाद हम डाल रहे हैं सफ़ेद नमक और यहाँ पे मैं डालूँगी पिसा हुआ लाल मिर्च। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें हमने नमक उमक जो डाला है वाले सारे, और इस सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद दही आलू हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टी आती है। तो जितने सदस्य रहते हैं उस हिसाब से खाना बनता है, उस हिसाब से चीज़ें बनती है, उस पसंद सबकी अलग अलग रहती है ना। तो मैंने दही आलू बनाई और इसके बाद मैं यहाँ पे खीरा का रायता बना रही थी। और खीरा का रायता जो है मैंने ग्रेट कर लिया है, तो बिल्कुल दही आलू के जैसे ये भी बनता है और अच्छा लगता है। तो बेटे जी मेरे दही आलू नहीं पसंद करते हैं और मैं यहाँ पर साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ, स्लैब की साफ़ सफ़ाई कर। तो बस रायता तो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं सलाद कट कर रही हूँ। खीरा छील के मैं काफ़ी रखी थी, मैंने रायता के लिए भी और सलाद के लिए भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाले। इससे टेस्ट ना अच्छा लगने लगता है, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इसका। यहाँ पे आप देख लीजिए ये दही आलू है और हमारी और सासू जी के कटोरी में लगा दिए हैं। और यहाँ पे दही जो बचा हुआ है वो रख दिए हैं। और ये है साबूदाना और यहाँ पे आप देख लीजिए ये दही आलू है और ये है खीरा का रायता। दोनों अच्छा लगता है, दही आलू भी अच्छी लगती है, खीरा का रायता भी अच्छा लगता है। और ये साबूदाना है, इधर दही रखी हुई है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये है सलाद जो कि मैंने अभी कट करके तैयार कर लिया है। खाना रेडी करने से पहले मैंने सोचा कि इसको बना लूँ तब मैं रोटी बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटी और ये सारी चीज़ें जो हम तैयार करके रखे ना, तो रोटी बनाएंगे तो फिर गर्मा गर्म सबको देते जाएंगे। तो चलिए फटाख से रोटी बना लेते हैं। आटा को गूंथ के मैंने पहले से रख दिया था, तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। फाइनली अब कपड़ा धुल गया है। तो बस कपड़े की मशीन आवाज़ कर रही थी उसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैं सबके लिए खाने लगा रही हूँ और आप लोग भी खाइएगा, ठीक है? हो जाता है सबके लिए, हो जाता है। जब अपनी बारी आती है ना तब लगता है यार बड़ा मतलब कठिन है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एकदम से, जैसे कि ऊब ऊब के काम करते हैं उस समय।
बेटी जी अपना खाना लेके गए हैं, मैं भी अपनी थाली लगा रही हूँ। अभी देखो ये लेके नहीं गया लड़का, फाइनली सबका खाना मैंने दे दिया है, अपनी थाली लगा ली हूँ। और अब जब अपनी थाली लगा लेती हूँ ना, एकदम से थक जाती हूँ यार। ये इससे लगता है कि बस अपने थाली में तो कोई भी ना ही दिखावा करो ना कुछ करो, बस जैसे ही तैसे। और मेरा जो है गर्दन भी दर्द कर रहा है, और मैं घड़ी भी देख रही हूँ। सच में टाइमिंग का मतलब ये होता है। आप लोग भी खाइए। तो खाना वगैरह सब हो गया है, सबका हो गया है। सासू जी यहाँ पे नेल कट कर रही हैं। मैं लेके आ गई हूँ कपड़े, जो कि जो मशीन चल रही थी धुल गया है, तो कपड़ा वो सारे कपड़े हमने सोचा खंगाड़ दे और खंगाड़ के डाल दे। और जो कपड़े पहले उसके डाले थे वो सारे कपड़े हम हटा लेंगे, और बाकी जो अभी मैं कपड़ा लेके आई हूँ वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पहले राउंड मतलब दूसरे राउंड में कपड़ा धुल गया था, वो सारे कपड़े धुल गए, सूख गए हैं। और धूप भी तेज है ना, इसलिए सूख भी गया है। यहाँ पे जीन्स है इन लोगों का, और मैं सोचा कि इसको इधर डाल दूँगी तो अच्छे से धूप में सूख जाएगा। पतला कपड़ा रहता है जो है ना, उसको अंदर डाल देते हो तो वो सूख जाता है, लेकिन ये मोटे कपड़े जो है ना, इनको तो बराबर से धूप चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको बारजे पर डाल देना है, और बाकी जो सारे कपड़े हैं इधर हम डाल देंगे जो भी है। और सबसे पहले तो मोटा वाला कपड़ा तो बारजे पर ही डालेंगे। तो वैसे हवा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए यहाँ पे चिमटे लगा दे रहे हैं। देखिए नीचे चले जाइए ना, तो फिर कपड़ा नीचे गिर जाएगा ना, फिर वो ख़राब लगेगा। फिर कपड़ा कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा। तो सासू जी का जो है नेल कट चुका है, अब सासू जी जा रही हैं अपने कमरे में। तो यहाँ पे बेडशीट हमने डाल दिया है, और जो पतला कपड़ा है शर्ट उसको डाल दिया है। और यहाँ पे जो भी सूखा कपड़ा है उसको हमें ले जाना है, और कुछ कपड़े तो हम छाट देंगे जो प्रेस करना है तो वो यहीं पे टेबल पर रख देंगे। जो नहीं मतलब प्रेस करना है, जैसे बेडशीट हुआ, पिलो कवर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें हटा लेना है, मतलब यहाँ से नीचे ले जाना है अपने रूम में। और जो कपड़े नहीं आए हैं ना, तो इस चेयर पे हम डाल देंगे, जैसे कि पिल्लो कवर है, जैसे कुछ मतलब बहुत सारे कपड़े। अगर जिस दिन आप मशीन लगाते हो ना, उस दिन बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, जगह नहीं बन पाती कि मैं कहाँ कहाँ कपड़े डालूं। ये मेरी हालत नहीं, सबकी है ऐसी। फाइनली सारे कपड़े डल गए हैं, और लास्ट राउंड मशीन चल रही है, आवाज़ आ रहा होगा। लास्ट राउंड मतलब पावदान और ये पोछा वगैरह यही सब डाल देते हैं। बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं और सूख भी गए हैं काफ़ी हद तक। ये देखिए, ये कपड़े तो मैंने हटा लिए हैं, और कुछ कपड़े नीचे ही डाल दिए थे कि हम कह के वहाँ जैसे कि फ़ैन चलेगा ना वहाँ पर आराम से सूख जाएगा। मैं छत पर मतलब टेरेस पर नहीं, बिल्कुल भी कपड़े नहीं ले आए, बीच में और नीचे सुखवा दे रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूप है ना कि इसमें कोई दिक्कत तो होती नहीं है कपड़े पर। देखिए एकदम नीचे से छाए में डाले हैं, ये भी सूख चुका है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा नम है, तो मैंने सोच रही हूँ कि इसको ऐसे पड़ा रह देते, शाम को हटाएंगे। आई शर्ट पे इनके कलर खेले थे, ब्लैक कलर का है, तो पहले नहीं, मैं इसको दूसरी बार धो रही हूँ।
हल्का हल्का सा, इतने से रेसर रेसर टाइप सा लग रहा है। तो मैंने कहा कि धुल देती हूँ, आप तो पक्का हो सकता पहने करें कि मैं लिए थे। और अब मैं थक चुकी हूँ, 1:30 बज रहे हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ। अब इसके बाद में कुछ भी काम नहीं करूँगी, पावदान वाला भी सो के उठूँगी तब फिर उसको खंगालूँगी। यहाँ पे अखरोट मैंने धुल के रखा था और धूप अच्छी है, सूख जाएगा। और ये पिल्लू कवर मैं चेक कर ले रही हूँ कि सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, हालांकि सूख जाएगा। और हवा भी हल्की हल्की है, तो चलिए नीचे चलते हैं। बाकी आप सारा कपड़ा यहाँ पे देख लीजिए, मेरे जो मनी प्लांट के पौधे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सारे चीज़ों के साथ वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।